Welcome back to my YouTube channel, that is Perk Work. And if you guys are following this playlist, so guys please do subscribe my channel. And यार आज हम बात करेंगे Fermi level की, ठीक है? तो पिछली videos में हमने देखा था कि carrier concentration intrinsic semiconductor के अंदर electrons की कितनी थी और holes की कितनी थी, ठीक है? ये हमने basic definition जो पहले भी बता रखी है, that is Fermi energy वो maximum highest energy state होती है at 0 degree temperature पर, ठीक है? अच्छा, अब जिस जो मेरी पहली वीडियो देखते हुए आया है उसे ये पता होगा कि जो हमने फर्मी डायरेक्ट फंक्शन देखा था उसके अंदर हमने एट टी इक्वल टू जीरो पर तीन केसेस देखे थे, ठीक है? जब ई ग्रेटर देन था ई एफ से, ई लेस देन था, और एक तीसरा केस था ई इक्वल टू ई एफ था, जिस केस में हमारे पास वैल्यू आ रही थी हाफ. वो हाफ की वैल्यू कुछ भी थी, वो फर्मी लेवल था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए. अब वो कैसे आया, पूरी उसकी असली डेरिवेशन अभी हम देखने वाले हैं. पेपर में पूछ लेते हैं, फॉर एक्सट्रीम प्रूफ दैट फॉर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इट इज नथिंग बट हाफ ऑफ कंडक्शन बैंड प्लस वैलेंस बैंड, ठीक है? अब इसको ढंग से समझते हैं. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं. अब ये बराबर होते हैं तो हमने इन्हें इक्वेट कर दिया, और ये हम पीछे निकाल के आ रखे हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने थे और नंबर ऑफ होल्स कितने थे, दैट इज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी थी और कंसेंट्रेशन ऑफ होल्स कितने थे. हमने वैल्यू लिखी इधर. जिसको ये दोनों इक्वेशन समझ नहीं आई, गाइस प्लीज पिछले की पहली वीडियोस देखो, उसमें आराम से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब जब हमने सॉल्व करेंगे तो ये बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स कट जाएंगे, इसके अंदर एम ई बचेगा, इधर एम एच बचेगा, ये एम ई इधर जाएगा एम एच के नीचे, एम एच बाई ई की पावर 3/2, और ये वैल्यू इधर नीचे आएगी तो ये होगा ई एफ माइनस ई सी, और ये जब नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस ई बी प्लस ई एफ अपॉन के बी टी, क्लियर? अब ढंग से देखना, ये ई एफ और ये ई एफ, टू ई एफ माइनस ई सी माइनस ई बी अपॉन के बी टी, बिल्कुल क्लियर. अब हम ले रहे हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग ले रहे हैं हम, तो हमारे पास क्या होगा, 3/2 लॉग एम एच बाई एम ई, 3/2 लॉग एम एच बाई एम ई इज इक्वल टू, जब इसका लॉग लेंगे तो लॉग ही तो वन हो जाएगा, और लॉग ही वन हो जाएगा तो ये नीचे कितना आएगा, टू ई एफ माइनस ई सी माइनस ई बी अपॉन के बी टी, और उस के बी टी को मैंने इधर भेज दिया, असलियत में ये आएगा, ये देखो यहां पर आएगा के बी टी, ठीक है? पर यहां ना लिखते हुए मैंने डायरेक्ट उसे उधर मल्टीप्लाई कर दिया था, तो यहां पर क्या हो जाएगा, के बी टी हो जाएगा, क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. अब हमें पता है कि हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं, तो हमने क्या बोला, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए निकाल रहे हैं तो हमें पता है कि एम एच और एम ई क्या होने वाले हैं, भैया सेम होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है होल्स और इलेक्ट्रॉन्स उस केस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो उसके सेम होगी, मतलब लॉग वन हो जाएगा, और लॉग वन की वैल्यू मेरे को पता है कितनी होती है, जीरो. तो मैंने क्या लिखा, के बी टी इंटू 3/4, के टू की वैल्यू में नीचे ले गया, तो 3/4 लॉग एम एच बाई एम ई प्लस, ये दो वैल्यू जब इधर आएंगी, ई सी प्लस ई बी, ई सी प्लस ई बी, और ये बाई टू इधर भी आ जाएगा, तो ई सी प्लस ई बी बाई टू. अब ये पूरी टर्म जो थी, ये वाली देखो ढंग से, ये वाली टर्म जो थी, ये क्या हो जाने वाली है भैया, ये जीरो हो जाने वाली है, क्यों, क्योंकि लॉग वन की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये हमारे पास पूरी टर्म जीरो हो गई. हमारे पास क्या बचा, ई एफ इज इक्वल टू ई सी प्लस ई बी EV by 2, and this is nothing but the proof and the, जैसा बोल सकते हैं कि energy Fermi level of intrinsic semiconductor. अब इसका जरा मतलब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, असलियत में जो वैल्यू निकाली, तो इसका मतलब समझने के लिए यहां से मिटा देते हैं इसको, ठीक है? तो इसका मतलब देखो, ये मान लो हमारे पास एनर्जी बैंड है हमारा, ये हमारे पास वैलेंस बैंड है, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है. तो इसका मतलब क्या है, जो फर्मी लेवल होगा वो ई सी प्लस ई बी बाई टू, मतलब इन दोनों के कहीं बीच में होगा एग्जैक्ट. ये रहा हमारे पास फर्मी लेवल, और ये फर्मी लेवल क्या बताएगा कि जो प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो एग्जैक्टली हाफ होगी इधर. फर्मी लेवल क्या बताएगा हमें कि जो प्रोबेबिलिटी होगी इलेक्ट्रॉन के मिलने की वो एग्जैक्टली हाफ होगी इस वाले लेवल के अंदर. ये था हमारे पास फर्मी लेवल, और फर्मी लेवल अभी हमने किसके लिए देखा, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ऊपर और नीचे शिफ्ट होता रहता है, वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, बट आई होप फर्मी लेवल इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा. पेपर में भी वो डेरिवेशन लिखनी है, और ये बना के दिखा देंगे और बता देंगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन फर्मी लेवल इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द हाफ, ठीक है? तो ये हमारे पास का प्रूफ फर्मी लेवल का, एंड आई होप इट विल क्लियर होगा. थैंक यू.